क्या कर रहा है? थोड़ा सुंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, गोवा से आने के बाद स्किन बहुत ख़राब हो गई है। तो यही हो रहा था हमारे साथ कि हमने इतने दिन से ब्लॉग नहीं किया क्योंकि स्किन जो थी गोवा में जाके डैमेज हो गई थी बहुत ज़्यादा। जब आप ट्रैवल पर निकलते हो तब आप केयर नहीं करते हो उतना जितना करना चाहिए, बट जब वापस आते हो और शीशे में देखते हो तब आपको समझ में आता हो रब्बा की कर लिया मैं, तो पंगा ही ले लिया गया इन्हों, रिकवर करने कितना टाइम लग रहा है। तो हम 4-5 दिन से रिकवर कर रहे थे अपने आप को, और जो सिंह साहब खो गए थे उस वजह से भी सब लोग दोस्त वगैरह मिल रहे थे कि यार अच्छा नहीं लगा उन सबको, पर घबराने की कोई गल नहीं कि अपने को परिंदा तो है गई है ना, तो इतना टेंशन लेने की गल नहीं। पर फिर मैंने सोचा कि 4-5 दिन से जब मैं इतनी स्किन की केयर कर रहा हूँ तो आपको भी बताना चाहिए कि मैं स्किन के लिए क्या यूज़ कर रहा था, ऐसे मतलब मज़ा नहीं आएगा ना कि मतलब अकेले ज्ञान ले लिया है सानू दस्या भी नहीं वीर ने गलत काम नहीं करना आपा, तो हमें पूरा प्रोसीजर है जो आप फॉलो किया है तो तुम दसा कि क्रीमा जी लगाई है दस दें। ये है क्लेयर्स का रिच मॉइस्ट फॉर्मिंग क्लींजर, इसमें अमीनो एसिड यूज करता है जो आपके पोर्स को डीप क्लीन करेगा। इसके इंग्रेडिएंट है हयाल यूरेनिक, सेरामाइड 3 और ऑलिव ऑयल। आपको अच्छे से फेस वॉश करना है, मतलब फेस पर अच्छे से तरीके से लगाना है इसको ताकि वो आपके पूरे पोर्स को क्लियर कर सके, और आंखों के नीचे खास कर ध्यान रखना है क्योंकि मोस्टली लोग सिर्फ फेस वॉश करते हैं आंखों के नीचे ध्यान नहीं देते। जब इससे फेस क्लीन करता हूँ ना ऐसा लगता है फेस को एक नई जान मिल गई है, मजा आया था, आपको फर्क दिख रहा होगा। इसके बाद हमारे को यूज करना है ये है क्लेयर्स का सफल प्रिपरेशन फेशियल टोनर। ये जेंटल टोनर है, ये स्किन के लिए नॉन इरिटेटिंग है, ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है। इसके इंग्रेडिएंट में वैरायटी ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट लाइक सेंटिला एशियाटिका, लिकोरिस रूट एंड अलोए लीफ एक्सट्रैक्ट। टोनर को ऐसे यूज नहीं करना, इसके लिए चाहिए हमारे को एक, या तो आप कॉटन बॉल यूज कर सकते हो, रुई होगी, या फिर कॉटन बॉल टाइप का आपको मार्केट से अवेलेबल होएगा। इसको आपको इसके अंदर कॉटन बॉल के अंदर 2-4 बूंदे डालनी है और आपको अपने फेस पर इसको टैप करना है। ये आपकी स्किन को काम करेगा और अनइवन पैचेस को क्लियर करेगा। फिर आपको इसको सूखने देना, मुंह नहीं धोना, आपको इसको सूखने देना नॉर्मल तरीके से। उसके बाद आपको टोनर के सूखने के बाद आपको यूज़ करना है क्लेयर्स का फ्रेशली जूस विटामिन ड्रॉप। इज अ आइडियल प्रोडक्ट टू ब्रीथ लाइफ टू योर नॉर्मल स्किन। इसके अंदर 5% विटामिन सी है जो आपके एक्ने इशू, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन पर काम करता है, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल है आपको, पर इसको ऐसे ही नहीं लगाना। इसके लिए आपको चाहिए रिच मॉइस्ट सूदिंग क्रीम, वीगन फ्रेंडली क्रीम। ये सूदिंग क्रीम आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी थ्रू द ईयर और ड्राइनेस से रिलीफ दिलाएगी, और इसके अंदर है जोजोबा ऑयल और सेरम। इसको आपको कैसे लगाना, आपको अपने फेस के अकॉर्डिंगली लेना है इसको, क्योंकि अपने चेहरे पर मोस्टली दाढ़ी है इसलिए हमारे को इसको हमने कम यूज किया। इसका आपको 1 या 2 ड्रॉप ही लेना है, और ऐसे नहीं कि पूरे हाथ पर लेगी आपको लगाना, आराम से जेंटली तरीके से। स्किन बहुत ही स्मूथ हो गई है। इनके प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि लेयर टू लेयर काम करते हैं, इसलिए ये आपकी स्किन के लिए और बेनिफिशियल है। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो लिमस कनेक्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर खरीद। वैसे ना हमारे सिंह साहब हमारी तरह थोड़े से शरारती थे, उन्होंने जाते जाते एक ना ड्रोन शॉट लिया था, बहुत ही फनी था, वो देख लो। देखो जी, हमने बोला था ना आपको सिंह साहब हमारी तरह शरारती हैं, मतलब थे भी किसके सिंह साहब, अपने और किसके, तो इतनी शरारतें तो बनती हैं। मिस तो करता हूँ यार उनको, ऐसी बात नहीं है, पर परिंदा है अपने पास इसलिए अच्छी बात है, बट जो भी है उनकी जगह थी। अच्छा, तो सैड बातें अलग, अब जा रहे हैं हम बाल कटाने के लिए, क्योंकि बाल बहुत ही लंबे हो गए हैं और उनको धोना और उनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मतलब इतने नहीं कटाएंगे हम इतने कटाएंगे कि उनको खुले रखें तो भी हमारे को थोड़ा सा सही लगे। मतलब अभी खुले रखता हूँ तो ऐसा लगता है आधी पीठ तक तो आ जाते हैं यार, खुद को ऐसे अजीब लगता है पीछे से आके ना, कोई हमें कुड़ियाँ ना समझ लेना, सानू अगों देखूगा बेचारा पिछों नहीं देखूगा, लगूगा उन्हें कुड़ी हैगी है, अगे आके देखो ओहो कुड़ी तो दाढ़ी भी हैगी है। जाय भाई ने आज हाँ कर दिया बाल काटने के लिए, अच्छे से काटेंगे, कोशिश नहीं आज काटेंगे, देखेंगे। अरे काटेंगे, पहले चेक करेंगे, मन करेगा तो काटेंगे। ओके, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सन्नाटा इसलिए, अब सन्नाटा खत्म हो चुका है, अब जो है धमाल का वक्त। ठीक है, जैसे सत्य की ख्वाहिश है वैसा ही आज सत्या को हेयर कट दिया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन बहुत टाइम बाद बाल कटने का मौका मिल गया, इस बार बाल कटेंगे, इस बार मजाक नहीं होगा।
फाइनली जी आज फाइनली बताओ पहले तो बाल लग कैसे रहे जाय भाई। तो आज फाइनली हमने सत्या का हेयर कट कर दिया है, शायद दो साल के बाद तो आज हमें लेयर बहुत परफेक्ट मिली जिसके हमने हमने सत्या को लेयर ही में ही बेच दिया है। क्या है कि पिछली बार ना जब काफी टाइम पहले जब मैं बाल कटाने आया था तो इतने बाल थे, जब मैं हेयर कट करवाने आया तो इन्होंने बोला नहीं करना, तो मैंने लेंथ बढ़ाई। अब उसके बाद जब ये लेयरिंग आई है उसका मजा लगा। उसके बाद आप कमेंट कीजिए, बताइए और क्या चेंजेस करने चाहिए, हमको आपके कमेंट का इंतजार है। कई तो बोलते हैं कि बाल कटा दो छोटे, नहीं नहीं वो जलते हैं लोग आपसे क्यों ऑन बजा रहे हो भाई, क्यों सबने जाना है यहाँ पर, कौन सा रुकने के लिए यहाँ पर आए हैं? चले जाएंगे दो मिनट बाद, हम भी निकल जाएंगे यहीं से। ये देखो निकल गए ना, इसीलिए बाइक बाइक प्रेफर करते हैं अपने, गड्डी ले ली ना तो ट्रैफिक में ही फंसे रहोगे अपा। ये बा क्या कर रहा है तू? ये क्या, ये खिड़की सही कर रहा हूँ। ओहो क्या लग रहे हैं यार बाल, तो मजा आ गया। मतलब बाल कटाने के बाद जो सुकून मिला ना, ऐसा लग रहा है कि सिर हल्का हो गया मेरा। और जब मैं अभी बाल कटा के आया तो हमारी दीदी क्या बोलती है, बाल कटाए कहाँ? मेरे को मम्मी की याद आ गई, क्योंकि मम्मी बोलती होती थी बाल कटाने के बाद कितने कट्टे उन्ने ही तपाए। मतलब ये माँ, हर माँ का मेरे को लगता है सेम। तेरे घर पे ऐसा होता था जब तू बाल कटा के आता था तो घर वाले बोलते थे ये काकट है? ये मेरे को लग रहा है हर किसी के साथ होता है। मेरे घर पे बोलते थे भाई पैसे पूरे दिए बाल तो पूरे कटा के भाई। घर वालों का सीन मेरे को ये लगता है कि घर वालों को लगता है कि बाल कटाना मतलब इतने इतने करा इतने कर दो, छोटे कर दो, सोल्जर कट करके आ जाओ। मतलब घर वालों को स्टाइल समझ में नहीं, स्टाइल समझ में नहीं आएगा। मतलब बहुत साल लग गए मेरे घर वालों को स्टाइल समझने के लिए कि हाँ ये होता है कुछ। मेरे घर वालों ने तो गिव अप ही कर दिया, करे जो करना है कर, थानू नहीं पता है, तेन ही समझ आता है तू ही समझ आता। तो कमेंट करके बताना जरूर कि आपके घर वाले भी क्या ऐसा करते हैं, क्या हमारे साथ तो होता है। मतलब मैंने मेरे बालों को, अरे दीदी ने बोल दिया मेरे को नीचे, दीदी कह रही कहाँ कटे? मम्मी तभी याद आ गई। मेरे घर वाले बोलते थे बाल कटा कटा नहीं है, ये बाल कटाई नहीं है बड़े वाले। मैंने अपने बालों को रोजी रोटी बना दी अपनी, सोचो रोजी रोटी है बाल, बता रोजी में बैठा मत कर। मैं सोच रहा था कि जिम चला जाता हूँ, पर कुछ लोगों का सीन क्या होता है, वो प्री वर्कआउट पीते हैं। दीदी तो है नहीं तो चाय हमारे को खुद बनानी पड़ेगी, तो चाय बनाते हैं, मिलके बनाना है यार कसम से। मैं बड़ा ही लेजी इंसान हूँ किचन के मामले में, बहुत कम ही ट्राई करता हूँ कि मैं किचन में घुसूँ, क्योंकि मेरे को सबसे लेजी काम लगता है ये। साढ़े तो नहीं हो पाता। हमारे को लेना है जी बर्तन, बर्तन में डालना है पानी, थोड़ी सी चाय पत्ती ले जिससे पानी की शक्ल आप काली करते हैं। अभी देखना अभी ये गुस्से में ना हमारे को देख देख के उबल रही है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार। उबल हाँ वेरी गुड, फिर चल खंड पा देनी है, खंड समझ इस गल में। दूध ले ले, दूध आ जा रे, दूध दूध डाल दे। ओहो पता नहीं भैन थी बड़ा ही गर्म है। हमारा एक मानना है कि चाय को हिलाने के लिए चम्मच का यूज़ करें। ये हमारा थोड़ा प्रोसेस है उसकी, वो वैसे मेरे को वो पतीले को ऐसे हिलाना उठा के ना, और ये इससे पकड़ना बर्तन तो मेरे को सबसे खतरनाक लगता है, क्योंकि इससे ना काफ़ी बार गिरने के चांसेस हो जाते हैं। मेरे को सबसे सही बर्तन उठाने के लिए लगता है ये, मैं कुंडे में ना फंस जाता है, आपको फंसा के चक दे फट्टे। ये जो चाय थी ना जी, ये हमारे को देख देख के जल जल के काली हो गई है। मतलब इतना गुस्सा चंगा नहीं होता, चाय स्वाद होनी चाहिए, स्वाद अनुसार ही होनी चाहिए। ठीक है चाय पी दें फिर जम जाते हैं। चीयर्स। बड़ी भाई आज चाय है, बोलो ना मैं किचन में नहीं जा सकता, मतलब सड्डी तरफ रब रखा ही है किचन में। चाय जितनी वायात थी हम पी गए, पर मेरे को ना अभी बैठे बैठे ना ऊपर मेरे सिर पे लाइट जली, तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई। देख रहे हो में बहुत ही उजाला है, और ख़ास बात पता क्या है, इस घर में हमारे को तीसरा साल चल रहा है, ठीक है, और ये बल्ब जब हम आए थे तब से ख़राब है, और हमने सोचा कि इसको चेंज करेंगे। बताओ क्या क्या खाने को? वड़ा पाव है, सैंडविच है, चना रोल है, बुरा राइस है, शीख कबाब है, और सैलेड में क्या है? ब्रिस्टो सैलेड है, क्लासिक है, तंदूरी है, ट्रिपल प्रोटीन है। वाह ब्रिस्टो लगा दो। ये जिम हो गया था, तोड़ फोड़ जिम के बाद सही खाना बहुत जरूरी है,
आज हमको हेयर कट के चक्कर में हमने अपना डाइट वाला खाना बनवाया नहीं। वैसे ना अभी एक काम और बाकी है, मेरे को लग रहा नहीं है कि हो पाएगा, यानी काम हो पाएगा पर इसकी बैटरी कम है इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा, तो डायरेक्ट घर पे मिलते हैं, तब तक ये खाते हैं आराम से। ठीक है, हमने आपको बताया था ना आज इस घर का रूल टूटेगा, मतलब 3 सालों के बाद वो वक्त आ गया है कि वी ब्रेक द रूल। हमको नारायण शंकर नहीं है कि हम निष्ठा प्रतिष्ठा के चक्कर में हम नियम नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे। हम लेके आए हैं ये बल्ब और इसमें लगाएंगे। सिर्फ कन्फ्यूजन पता क्या है कि ये जो बल्ब लाए हैं इसकी जो चूड़ी है घुसेगा या नहीं घुसेगा, इम्पोर्टेंट ये है घुसेगा या नहीं घुसेगा। ये तो खुला रह गया, ढीला रह गया। छी छी, इट्स हर्ट मी, मारो मुझको मारो। तो ठीक है, हम कल इसको बदलवाएंगे, ये रूल टूटेगा जरूर, आज नहीं टूटा कल टूटेगा जरूर, क्या समझा। हाँ, वैसे हम कल एक रूल और तोड़ने जा रहे हैं। हमने सोचा है कि जो 6 सालों से मैं सोच रहा हूँ कि एक टैटू बनवा लेना चाहिए, तो कल बनवाने जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ फाइनली। तो हम तुम आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, रब रखा भी रहे, बाय बाय, ख्याल रखो आपका। अच्छा टैटू कौन सा टैटू बताएंगे ना कल।